YouTube ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। नमस्कार, देश की आवाज में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ कमल कोशी, के एक ऐसा शो जो आपकी आवाज को करता है बुलंद। एक बार फिर से हम एक ऐसा मुद्दा लेकर आपके बीच आए हैं जिस पर आपकी राय जाना बेहद जरूरी है। हरियाणा में आशा वर्कर्स का प्रदर्शन लगातार जारी है और अपनी मांगों को लेकर आशा वर्कर्स ने आज कई जिलों में सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए गिरफ्तारियां दी हैं। पिछले 9 दिनों से आशा वर्कर्स धरने पर बैठे हैं और इसे बेच कृषि मंत्री ओपी धनखड़ का भी बयान सामने आया है। जब मंत्री जी से आशा वर्करों के धरने पर के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने ये कहा कि ये दिल मांगे मोर, यानी कि हर कोई सोचता है कि उसे कुछ ज्यादा मिल जाए, लेकिन सरकार की भी कुछ सीमाएं होती हैं और सरकार को सीमाओं में रहकर ही काम करना पड़ता है। तो ये तो कहना था ओपी धनखड़ का, जो कि कृषि मंत्री हैं हरियाणा के, और वहीं अनिल विज जो कि स्वास्थ्य मंत्री है, जिनका विभाग ही इन आशा वर्करों को देखता है, उनकी सेवाओं को लेकर। उन्होंने कहा है कि आशा वर्कर्स के प्रदर्शन को लेकर ये कहा कि ये एक तरह से गलत ही है। तो कई सवाल अब हमारे सामने उठ खड़े हो जाते हैं। आशा वर्कर्स का ये प्रदर्शन तो जारी है ही, 9 दिनों से ये प्रदर्शन जारी रहा है। आशा वर्कर्स ने गिरफ्तारियां भी आज दी हैं और इससे पहले धरने पर बैठी थी। स्वास्थ्य मंत्री ने प्रदर्शन को गलत करार दिया है। कृषि मंत्री ने भी कहा कि सरकार की अपनी सीमाएं हैं। तो क्या वाकई में सरकार की कुछ सीमाएं होती हैं? आशा वर्कर्स का प्रदर्शन कितना जायज है? सबसे बड़ा सवाल भी यही है, क्या सरकार को ब्लैकमेल कर रही हैं आशा वर्कर्स, और क्या हड़ताल है मांगे मनवाने का ही रास्ता? आशा वर्कर्स के धरने को लेकर अपनी राय आप रख सकते हैं। रमेश कुमार पंचकुला से पहले दर्शक फोन लाइन पर मौजूद है। रमेश जी, अपनी राय रखिए इस प्रदर्शन को लेकर। जी आदरणीय श्रीमान जी, सादर प्रणाम। मेरी आपसे नम्र निवेदन है कि 2-3 पॉइंट सुन लें प्लीज। ये बार बार धरने और प्रदर्शन का मुख्य कारण है अधिकारियों द्वारा सरकार को गुमराह करना और कर्मचारियों की बातें प्रॉपर तरीके से ना सुन पाना, और टेबल पर जो फैसले हुए हैं उनको तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत करते हैं अधिकारीगण। स्वास्थ्य विभाग हो, आशा वर्कर हो या दूसरे विभाग हो, इनमें धोखाधड़ी करी जा रही है। कर्मचारियों के हितों की रक्षा करने के लिए कोई भी अधिकारी राजी नहीं है। आशा वर्कर के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग के जितने भी पैरामेडिकल है, इनका कोई प्रमोशन चैनल नहीं। बार बार फाइल ऑब्जेक्शन लगाई जाती है, मंत्रियों और अधिकारियों में बार बार असमंजस की स्थिति आती है। बार बार बात रखने के बाद भी किसी की बात की कोई सुनाई नहीं होती, बार बार ऑब्जेक्शन क्रिएट करे जाते हैं, जबकि एक स्ट्रीम लाइन है, गाइडलाइन है सरकार की, एक विभाग में कुछ है दूसरे में कुछ है। तो आप क्या अधिकारियों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं इसके पीछे? हाँ जी, हाँ जी, पूर्ण रूप से अधिकारीगण इसमें जिम्मेवार हैं। डिपार्टमेंट का डायरेक्टरेट और ऊपर से जो अधिकारी है सीएस अधिकारी है, हर डिपार्टमेंट में नीचे का और ऊपर का तालमेल ना होने के कारण मंत्रीगणों को गुमराह किया जाता है, कर्मचारियों को गुमराह किया जाता है, और जो बात टेबल पर मानी जाती है। चलिए, शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। आपने जो अपनी राय रखी है उसको सरकार तक जरूर जो है पहुंचाने का ही लक्ष्य हमारा है, तो सरकार इसे सुने और इस पर जरूर जो है संज्ञान ले। शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। सोहन लाल जुड़ गए हैं भिवानी से, एक दर्शक हमारे साथ। सोहन लाल जी, अपनी राय रखिए। लेकिन ये 2000-3000 के लिए सरकार पे बोझ पड़ रहा है, ये कह रहे हैं जी। इनकी मांग बिल्कुल जायज है, इन आशा बहनों की मांग बिल्कुल जायज है, इनकी मांग पूरी की जाए, क्योंकि इतनी गर्मी में जो एमएलए एमपी है ये अपने उसमें बैठे हैं, अपने एसी में बैठे हैं, और ये गर्मी में यहाँ पर मतलब बैठी है, बाहर धरने पे बैठी है। इतने सालों से ये लगी है, 8-9 सालों से ये लगी हुई है, लेकिन फिर भी इनकी मांग नहीं मानी जा रही है, इनका कोई वेतनमान नहीं है। कहीं ना कहीं सरकार भी ये चाह रही है, नोटिफिकेशन भी जारी होने की खबर सामने आई थी। अब देखना ये होगा कि क्या सरकार अब जो है आश्वासन के बाद इन आशा वर्कर्स की मांग मानेगी या नहीं। शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। राजेश कुमार जी से एक दर्शक फोन लाइन पर मौजूद है। राजेश जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस धरने प्रदर्शन को लेकर, जो गिरफ्तारियां दी गई है आशा वर्कर्स ने आज? जी मैं सर एक बात कहना चाहूंगा, विधायकों का वेतन बढ़ाने में कोई बोझ नहीं है,
कर्मचारी बिना काम करते हैं उनका वेतन बढ़ाने में इनके ऊपर वित्तीय बोझ पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट ने समान काम समान वेतन लागू कर दिया तो इनको लागू करने में क्या परेशानी है, क्यों नहीं करते हैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन? हाई कोर्ट का आदेश मान रहे, सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं मान रहे जी। चलिए, आप तो वही कह रहे हैं कि जब विधायकों की जो सैलरी है वो बढ़ सकती है, उसका बोझ सरकार पर नहीं पड़ता है, तो कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाकर क्यों सरकार कहती है कि इसका वित्तीय बोझ पड़ने वाला है? शुक्रिया। अमन जुड़ चुके हैं पानीपत से, एक दर्शक। अमन जी, अपनी राय रखिए आप। संपर्क टूट चुका है, एक बार फिर से आप कोशिश कर सकते हैं। तो ओपी धनखड़ जो कि कृषि मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि उनकी कुछ सीमाएं हैं सरकार की, इस पर भी अपनी राय आप देख सकते हैं। दिनेश मध्य प्रदेश से एक दर्शक मौजूद हैं फोनलाइन पर। दिनेश जी, अपनी राय रखिए। उनसे भी संपर्क टूट चुका है, लेकिन कोशिश आप लगातार करते रहिए क्योंकि सरकार आपकी आवाज को जरूर सुनेगी। हम माध्यम है, हमारा यही एक मकसद रहता है कि आपके मुद्दों को सरकार तक पहुंचाए और जो बीच की कड़ियां हैं उनको दूर किया जाए, क्योंकि सरकार भी यही चाहती है कि जनता का भी भला हो और जो कर्मचारियों हैं उनका भी भला हो, क्योंकि वोट तो सरकार को भी बटोरने हैं। चुनाव नजदीक है, क्या ये समय रणनीति बनाने का होता है कर्मचारियों का? इस पर भी अपनी राय आप देख सकते हैं। कंचन शर्मा भिवानी से एक दर्शक फोनलाइन पर मौजूद है। कंचन जी, अपनी राय रखिए। हाँ जी सर, देखो आशा बहनें जो भी मांग रही हैं उन सबका सरकार को चाहिए कि वो 3-4 हजार उनके जो हैं 50% है और जो वो वर्क कर रही हैं वो होने चाहिए उनके। पता है इतनी गर्मी में जी जो घूम फिर रही हैं आशा वर्कर स्ट्राइक कर रही हैं, तो खट्टर सरकार से ये अनुरोध है कि उनको उनकी मांगों को मानना चाहिए, सुननी चाहिए, उनकी बात समझनी चाहिए। चलिए, शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। आपने कहा है कि सरकार को जरूर सुनना चाहिए कि आखिरकार इतने समय से आशा वर्कर्स धरने पर हैं, तो सरकार अब उनकी मांगों को मान ही ले। दिनेश एक बार फिर से फोनलाइन पर मौजूद हैं, मध्य प्रदेश से हैं हमारे दर्शक। दिनेश जी, अपनी राय रखिए आप। धन्यवाद सर। हड़ताल के अलावा इनके पास और कोई विकल्प नहीं है, जो दबाव बनाने का इनके पास और कोई साधन भी नहीं है। हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं और जितनी मुश्किलों में ये अपनी जो है कार्य करती है, और जो आप गाँव से पैदल अपने बच्चों को छोड़कर मामूली से कम रुपयों में जो सेवा करती हैं, इनके सम्मान को कहीं सुरक्षा नहीं, इनकी सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं, और जो है विधायक और सांसदों का 4 गुना तक वेतन बढ़ाया जाता है जो कि न्यायचित नहीं है और नियमों के अनुसार भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट सिर्फ निर्देश दे सकते हैं लेकिन उस पर अमल नहीं करवा सकते, और इनके साथ धोखा हो रहा है। इनको जब तक हम महिलाओं को सशक्त नहीं करेंगे, महिला समूह के नाम पर तमाम स्वयंसेवी संगठन इनके नाम पर अरबों खरबों के घोटाले हो रहे हैं आशा कार्यकर्ता है, तो एक कारण यह भी है कि ये तमाम अन्य संगठनों के स्वयं का इनका संगठन नहीं होता है, तो कई जो दलगत राजनीति जो सरकारें होती हैं वो भी मांगे मानने में थोड़ी सी डिले करती हैं, क्योंकि ये स्वयं के संगठन को सशक्त नहीं कर पाते और इनको हर मासिक 100-200 रुपए चंदे लेकर और ये नेता आगे आते हैं, पहले वो करोड़पति अरबपति बन जाते हैं तब कहीं सरकार 10-15 साल में झुकती है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ भी यही हुआ, और आशा कार्यकर्ताओं के जो कार्य में देखता हूँ जितनी दयनीय स्थिति में करती है, मजबूरी में हर कोई नौकरी करता है, कहावत है नौकरी क्यों करी गज परी तो करी, इसलिए इनकी जो मांगे हैं न्यायचित हैं, इनको सरकार को सारे विद्वेष भूलकर इनको बिठाल कर। चलिए, शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। आपकी बात हम समझ चुके हैं, आपकी कहीं ना कहीं शिकायत है सरकार से, और आपने भी वही बात कही है कि जब सरकार विधायकों का वेतन बढ़ा सकती है तो क्यों इन कर्मचारियों का वेतन नहीं बढ़ा सकती, समान काम समान वेतन क्यों नहीं दिया जा रहा, यह शिकायत जनता की भी है। सोनू हिसार से एक दर्शक फोनलाइन पर मौजूद है काफी समय से। सोनू जी, अपनी राय रखिए। जब सरकार जब सुप्रीम कोर्ट ने इनको बोल दिया समान काम समान वेतन लागू करो जी, तो ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं मान रहे हैं। हाई कोर्ट ने बोल दिया कच्चे कर्मचारी पक्के नहीं होंगे, हाई कोर्ट का आदेश इन्होंने मांग लिया। जब सुप्रीम कोर्ट ने 10 महीने पहले आदेश दिया तो उसको ये क्यों नहीं मान रहे? ये तो अपनी मनमानी चला रहे, कर्मचारियों को इनको तंग करना था इन्होंने, कर्मचारियों का दमन करते हैं ये, बिल्कुल इतनी बेकार सरकार है ये। सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला नहीं मान रहा, अपनी मनमानी चला रहे, हाई कोर्ट का फैसला मान दिया इन्होंने, तो सुप्रीम कोर्ट का क्यों नहीं मानते फैसला, समान काम समान वेतन क्यों नहीं दे रहे हैं कर्मचारियों को? जी बिल्कुल, आप भी खड़े हैं आशा वर्कर्स के साथ कि समान काम समान वेतन देना चाहिए, और भी कई मांगे हैं उन पर भी सरकार को विचार करना चाहिए, ये आपका कहना है। शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए, सरकार तक पहुंचाने के लिए। उदय केथल से एक दर्शक फोन लाइन पर मौजूद है। उदय जी, आप क्या कहेंगे इस धरने प्रदर्शन को लेकर? नमस्कार जी। जी नमस्कार। मेरी ये सलाह है, अभी तो
कोई भी सरकार है ट्वीटर व्हाट्सएप फेसबुक पर ज्ञापन डालने की बजाय जमीन पर आकर बात सुननी चाहिए जी। और नंबर एक, नंबर दो, जो 2019 का चुनाव है वो जो भी मैनिफेस्टो कोई भी पार्टी बनाए वो चुनाव योग से रजिस्टर्ड होना चाहिए, ताकि कोई चुनाव में जीतने के बाद अगर कोई फैसला में कटौती करेगी या कोई झूठा करेगी जनता को, उसको तुरंत बर्खास्त करने की कानून बनाया जाए, अभी चुनाव है उसको पार्टी को तुरंत बर्खास्त करा जाए। नंबर तीन, कर्मचारी व्यापारी किसान कौन सा वर्ग है जो आज नहीं दुखी है, और सरकार बड़े बड़े लुभाने वादे करती है अभी हम 35 तक। बिल्कुल, आपका कुल मिलाकर यही कहना है कि सरकार वायदे तो करती है लेकिन फिर वायदा खिलाफी भी होता है, और इसी को लेकर जो कर्मचारी है वो सड़कों पर उतर आते हैं, उनकी ये मजबूरी है। शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। प्रवीण है करनाल से, दर्शक फोन लाइन पर मौजूद है। प्रवीण जी, आप क्या कहना चाहेंगे, आपकी राय क्या है? सर जी, जो ये आशा वर्कर है इनकी सभी मांगे जायज है जी। जी, ये भी सरकार अपने वेतन तो खुद बढ़ा लेती है अपने विधायकों का, पर आशा वर्कर की और कोई ध्यान नहीं दे रही है जी। 5-6 महीने बीत गए हैं जी, मैं भी एक आशा वर्कर का लड़का हूँ सर जी, जी। 5-6 महीने बीत गए होंगे, मेरी मम्मी की ना तो कोई सैलरी आई है जिस कारण हम बहुत परेशान है जी, हमको अपना घर का गुजारा। लेकिन ओपी धनखड़ कहते हैं कि कुछ मजबूरियां हैं सरकार की, एकदम से इस तरह से मांगों को ना मानना। कर्मचारियों के लिए मजबूरी है, उनके विधायकों के लिए उनकी कोई मजबूरी नहीं है। हर रोज कोई ना कोई नोटिस आता है कि उनके विधायकों की सैलरी बता देते हैं, लेकिन जब कर्मचारियों की बात आती है तो उनकी मजबूरियां हो जाती है सर जी। बात ऐसे है जी, जो आशा वर्करों के 4,000 रुपए ने किए ना मानदेय जी सर जी, उसमें उन्होंने बताया कि पहले 2,000 रुपए काम करेंगे तब आशा वर्करों को 4,000 रुपए मिलेंगे जी। सर जी, हर महीने में ना तो कोई डिलीवरी होती है जी, वो 9 महीने बाद होती है तकरीबन, लेकिन हर महीने 2,000 का काम नहीं होता है जी। तो आशा वर्कर की जो मांग है जी वो जायज है जी। चलिए, जायज मांग आप कह रहे हैं, और ये भी आप बतला रहे हैं कि किस तरह से कठिनाइयां होती हैं आशा वर्कर्स को, बहुत काम भी करती हैं लेकिन उनके काम के मुताबिक उन्हें जो है वेतन नहीं दिया जा रहा है। दिव्या है हमारे साथ बराड़ा से। दिव्या जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मसले को लेकर, आपको लगता है कि ये जायज मांगे हैं? हाँ जी सर, बिल्कुल जायज मांगे हैं। हम 24 आवर काम कर रही हैं हमारी आशा वर्करें, और उनको मिलता क्या है 1,000 रुपया और यहाँ 100 रुपया डिलीवरी के समय मिलते हैं, वो भी डिलीवरी रात और दिनों 24 आवर, जब बारिश नहीं देखनी, दिन नहीं देखना, रात नहीं देखना, अपने बच्चों को छोड़कर पागलों की तरह चल पड़ती है। तो यही आखिरी विकल्प था क्या? हाँ जी सर, मेरा यही विकल्प है कि 2,000 हमें जो वेतन दिया जा रहा है वो ठीक नहीं है, हमें पूरा ही जो मिलता है आशा वर्कों को वही मिलना चाहिए। जो 4,000 रुपया हमारा लगा हुआ है, जो सरकार ने 1 फरवरी को जो दावा समझौता माना था उसी के ऊपर वो किया जाए। चलिए शुक्रिया। कई आशा वर्कर्स भी हमारे साथ जुड़ रही हैं, वो भी अपनी समस्याएं सरकार तक पहुंचाने की कोशिशों में जुटी हुई हैं। नीलम है अलीगढ़ से, दर्शक हमारे साथ। नीलम जी, आप क्या कहना चाहेंगे, क्या जायज मांगे हैं या फिर कृषि मंत्री जैसे कहते नजर आ रहे हैं कि उनकी भी मजबूरियां हैं कुछ? नहीं भाई साहब, ये जायज मांगे हैं। एमएलए विधायकों का सबका वेतन बढ़ सकता है। आशा अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के घर से बाहर जाती, रात हो या दोपहर हो, तो उनको कुछ तो मिलना चाहिए जी। तो उनको कुछ ना कुछ तो सरकार को देना चाहिए। ये लोग अपने हर खर्चे वो कर लेते हैं, आशाओं के लिए कुछ भी नहीं है। तो इनकी मांगे जायज हैं भाई साहब। चलिए शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। तो ज्यादातर जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं उनका यही कहना है कि जो मांगे हैं आशा वर्कर्स की, जिनको लेकर आज सड़कों पर वो बैठी हैं, गिरफ्तारियां दी हैं, वो कहीं ना कहीं सही हैं और सरकार को इस पर जरूर संज्ञान लेकर मानना भी चाहिए इन मांगों को। अशोक कुमार कालावाली से एक दर्शक फोन लाइन पर मौजूद है। अशोक जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मसले को लेकर? देखो जी, ये सरकार है इतनी आसानी से मानती नहीं है। सरकार मांगे मानेगी लेकिन थोड़ा परेशान करके, इतनी जल्दी से नहीं। उसको पता है इनको जो वेतन मिल रहा है उससे इनका कुछ नहीं होने वाला, लेकिन सरकार तो आश्वासन दे रही है ना। वो झूठा आश्वासन दे रही है, झूठ कह रही है। आश्वासन तो मोदी जी ने कई दिए हुए जनता को, क्या क्या पूरा करा? कुछ भी नहीं करा जी। सरकार झूठ बोल रही है। चुनाव साल आ रहा है, आश्वासन दे के टाल देगी, अगला साल आया चुनाव जीता ठीक है, हार गए तो भी हम क्या करें, हम तो चुनाव आ रहे हैं। चलिए, आप यही कहते नजर आ रहे हैं कि चुनावी साल के मद्देनजर दबाव बनाने की भी रणनीति हो सकती है और ये कामयाब भी हो सकती है, क्योंकि चुनाव को देखते हुए कई सरकारें ऐसा देखा जाता है कि जरूर सुनती है जनता की भी और कर्मचारियों की भी। दीपिका है दिल्ली से हमारे साथ। दीपिका जी, आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं यही
यही कहना चाहूंगी कि इनकी जो मांग है ये जायज है ना, क्योंकि अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के आई थिंक रात में इनका केस होता है तो ये रात में निकलती हैं, दिन में होता है तो दिन में निकलती हैं। आई थिंक ये दूसरी बार ऐसा हड़ताल कर रहे हैं। अगर किसी पहले भी पेपर पाया किसी का भी वेतन बढ़ सकता है तो इनका क्यों नहीं ना। आई थिंक ये ज्यादा मेहनत करती है और देश को सुरक्षित करने के लिए ये लोग मेहनत करती है ना। चलिए शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। तो आपको ये भी बता दी, जैसा कि दर्शक हमारे साथ जुड़ी थी उन्होंने भी कहा था इससे पहले भी इस तरह की हड़ताल हो चुकी है और 22,000 आशा वर्कर्स अपनी सेवाएं नियमित कराने और 18,000 रुपये न्यूनतम वेतनमान देने की मांग को लेकर जो है 4 दिवसीय हड़ताल पर इससे पहले भी थी और आशा वर्करों ने केंद्रीय राज्य मंत्री और तमाम जो केंद्रीय मंत्री हैं उनकी भी जो हरियाणा से है उनका घेराव किया था और तब भी अपनी मांगें मनवाने के लिए एक बड़ी कोशिश की थी। अमन मान एक बार फिर से पानीपत से दर्शक जुड़ चुके हैं फोनलाइन पर। अमन जी क्या कहना चाहेंगे, आपकी राय क्या है? सर नमस्कार। जी नमस्कार सर। पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ कि आप ऐसी आवाजें उठाते हो। जी शुक्रिया सर। मैं मंत्री जी को ये कहना चाहता हूँ, जो कहते हैं कि मोर मन मांगे मोर। जी जी मंत्री जी, आपने वादे किए थे, आपने वादे किए हैं, आप अपनी तनख्वाह तो 6 महीने के अंदर बढ़ा लेते हो और जितनी ये तनख्वाह मांगती इतने की तो आप चाय पी जाते हो ऑफिस में बैठ के। इन बेचारियों ने क्या गलती की है, 24 घंटे ड्यूटी पीटती है, अपने बच्चों से दूर रहती है, इनकी कोई सुरक्षा का बंदोबस्त नहीं है। मंत्री जी आपको 2019 के चुनाव में कर्मचारियों का रोष बहुत भारी पड़ेगा, आपको रास्ता नजर नहीं आएगा जी। इनकी मांगे जायज है, इनकी मांगों को मान लीजिए। चलिए आप एक चेतावनी देते हुए नजर आ रहे हैं एक वोटर के तौर पर भी कि अगर ये मांगे इस तरह से नहीं मानी गई तो आने वाले चुनाव में सरकार को खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। तो तरह तरह की राय आ रही है, ज्यादातर यही कहते नजर आए हैं जो दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं कि ये जो मांगे हैं आशा वर्कर्स की इनमें कोई दिक्कतें सरकार को नहीं होनी चाहिए। लेकिन दूसरा पहलू ये भी है कि सरकार ये कहते नजर आती है, मंत्री ये कहते हैं कि कुछ ना कुछ लिमिटेशंस हमारी हैं, कुछ सीमाएं हमारी हैं, उसमें हम बंधे रहते हैं। इस तरह से सभी कर्मचारियों के एक साथ मांग पूरा करना सरकार के लिए मुश्किलों भरा होता है। आपकी राय क्या है, क्या यही तरीका है, इस तरह से हड़ताल करें, जेल भरो आंदोलन करें तभी सरकार जाग सकती है, या और भी कोई विकल्प हो सकता है, क्या ये भी हो सकता है कि दूसरे तरीके से सरकार पर दबाव बनाया जाए? सबसे बड़ी बात यह भी निकल कर सामने आती है, जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया है कि चुनावी साल जब आ जाता है इस तरह के प्रदर्शन और ज़्यादा बढ़ जाते हैं और स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं कि प्रदर्शन जो कर रहे हैं वो गलत है, अपने काम पर लौटकर सही तरीके से जो है अपनी आवाज़ अगर उठानी है वो उठा सकते हैं। तो तमाम तरह के पहलू हैं इस मसले को लेकर। आप अपनी राय अपनी बातें हम तक पहुंचा सकते हैं, हम एक माध्यम है सरकार तक पहुंचने का, ताकि सरकार ये आकलन कर सके कि जनता क्या चाहती है। जिसके टैक्स का पैसा सरकार के पास जाता है उसके बाद ही कुछ सुविधाएं जनता को ही मिलती है। प्रिया दिल्ली से एक दर्शक फोन लाइन पर मौजूद हैं। प्रिया जी आप क्या कहना चाहेंगे, संपर्क टूट चुका है, एक बार फिर से आप कोशिश कर सकते हैं हम तक जुड़ने की। अपनी राय बेबाकी से दे दीजिए आप, क्योंकि सीधे जो है सरकार के कानों तक आवाज पहुंचेगी तो सरकार जो है कहीं ना कहीं इसलिए भी जागरूक हो जाएगी कि जनता के मन में क्या है और उसे क्या करना चाहिए। जैसा कि पहले भी हमने कहा कि टैक्स का पैसा सरकार के पास जाता है, सरकार जनता की सुविधाओं के लिए ही पैसा खर्च करती है। कई बार ऐसा होता है कि समान कान समान वेतन अगर दिया जाता है या फिर नियमित किया जाता है सरकार पर वित्तीय बोझ भी पड़ता है। लेकिन कुछ जो दर्शक हैं वो भी ये भी कहते नजर आए हैं कि विधायकों की सैलरी बढ़ाते हैं, मंत्रियों की सैलरी बढ़ती है, तब ये जो वित्तीय बोझ है वो देखने को नहीं मिलता है। तो ये जो दो दो पहलू हैं इस पर जो है क्यों विचार नहीं करती है सरकार? जो कर्मचारी सड़कों पर हैं क्यों उनसे बातचीत करके तुरंत उनकी मांगे क्यों नहीं मान लेती है? क्योंकि इस समय अगर देखें तो कई कर्मचारी सड़कों पर उतरे, पिछले दिनों सफाई कर्मचारी भी सड़कों पर उतरते हुए नजर आए थे। रिया भुटाना से दर्शक फोन लाइन पर मौजूद हैं, अपनी राय रखिए। हेलो सर। जी सर, ये आशा वर्कर सर दिन रात काम करती है सर, तो भी इनकी तनख्वाह नहीं बढ़ रही सर। जी सर, इनका आंदोलन बिल्कुल सही है, बस यही मेरी राय है। चलिए शुक्रिया, आपने जो है आंदोलन को समर्थन दिया है आशा वर्कर्स के, जो वो इस समय कर भी रही हैं, जेल भरो आंदोलन चलाया जा रहा है। और एक चेतावनी ये दी गई है सरकार को कि अगर उनकी मांगे अब नहीं मानी गई तो ये जो आंदोलन है वो यूं ही जारी रहने वाला है।
लेकिन सरकार ये भी कहती है कि हम तो मानने को तैयार है, थोड़ा समय चाहिए। और कुछ जो सरकार के नुमाइंदे हैं वो ये भी कहते नजर आते हैं, क्योंकि दो दो पहलू हम कह रहे हैं इस पूरे मसले को लेकर, कि वो कहते हैं कि हमारे कुछ सीमाएं हैं जिनमें मंत्री जी खुद भी मौजूद हैं, स्वास्थ्य मंत्री जिनका विभाग है और NHM के अधीन ही आते हैं आशा वर्कर्स। तो अब जो मामला अटका हुआ है वो यही है कि सरकार कब मांगों को मानेगी और ये कब तक सड़कों पर उतरेंगे आशा वर्कर्स, क्योंकि ये तो दर्शक भी कहते नजर आए हैं कि रात दिन नहीं देखती हैं ये जो वर्कर्स हैं, मेहनती हैं, काम करती हैं, सेवा करती हैं, लेकिन उस सेवा के मुताबिक वेतन नहीं मिलता है। सुप्रीम कोर्ट का हवाला दर्शकों ने भी दिया, यानी जागरूकता दर्शकों में है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या कहता है, सरकार को उसको इंप्लीमेंट करना होगा, नहीं करेगी तो सरकार को जनता की नाराजगी झेलनी पड़ेगी, नाराजगी झेलनी पड़ेगी तो चुनावों में खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, ऐसे चेतावनी दर्शकों ने भी दी है। कुछ आशा वर्कर्स भी हमारे साथ जुड़ी हैं, उन्होंने भी अपनी राय रखी है, वो भी ये कहते नजर आई हैं कि कुछ भी गलत हमारी मांगों में नहीं है, सब कुछ जायज़ है और अगर सरकार ने मांगे नहीं मानी तो ये मुश्किलें सरकार के लिए बढ़ सकती हैं। तो आप भी अपनी राय रख सकते हैं। 9 दिनों से जारी है ये आशा वर्कर्स का प्रदर्शन, तो आशा वर्कर्स ने गिरफ्तारियां भी दी हैं और गर्मी में बैठी हैं सड़कों पर। नीतू लखनऊ से एक दर्शक फोन लाइन पर मौजूद है। नीतू जी आप क्या कहना चाहेंगे, आपकी राय क्या है? हाँ सर, मेरी राय ये है कि आशा वर्कर्स का प्रदर्शन एकदम जायज है, जो उनसे वादे किए गए थे वो पूरे नहीं हो रहे हैं, तो वो हड़ताल पर तो जाएंगी जाएंगी, सरकार को कोई ब्लैकमेल नहीं कर सकता, ये तो सरकार बेकार की बात कर रही है जी, इसलिए उनको जो वादे किए उनको पूरे करें। चलिए नीतू जी शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। तो आपका ये कहना है कि अगर वायदे किए हैं तो उसको पूरा भी करना पड़ेगा, अगर नहीं करेंगे तो ये जो रास्ता है वो अख्तियार करना ही पड़ेगा कर्मचारियों को। तो काफी दिनों से धरने पर बैठी थी और अब जो है सब्र का बांध टूटा हुआ नजर आ रहा है आशा वर्कर्स का। आप देखना होगा कि सरकार पर इसका कितना असर पड़ता है। सभी दर्शकों का शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। फिलहाल देश की आवाज में इतना ही, लेकिन फिर से हाजिर होंगे आपकी आवाज को बुलंद करने के लिए, क्योंकि ये ऐसा शो है जो आपकी आवाज को करता है बुलंद। नमस्कार।